जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में दीवानी न्यायालय परिसर में 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीया ने बताया कि यह कार्यक्रम आजादी के 75वें वर्षगांठ पर आयोजित अमृत महोत्सव के तहत किया जाएगा, जिसका उद्घाटन 2 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्वारा वर्चुअल 11 बजे से 12 बजे तक विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह देशव्यापी कार्यक्रम है। जनपद में इसका शुभारंभ दीवानी न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक विशेष अभियान के तहत प्रत्येक नगर, कस्बे व गांव तक विधिक सेवा के गतिविधियों के संबंध में व्यापक जागरूकता फैलाई जाएगी एवं विधिक सहायता योजनाओं से उनको अवगत कराया जाएगा और साथ ही साथ स्थल पर ही पात्र लाभार्थियों को कल्याणकारी शासकीय योजनाओं से लाभान्वित भी किया जाएगा और सामान्य जन को विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीया ने कहा, दो अक्टूबर को आजादी के स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्र के अनुपालन में मैं माननीय जनपद न्यायाधीश श्री तेज प्रताप तिवारी के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर के द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक भारत का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में विशेष व्यापक अभियान के तहत प्रत्येक नगर, कस्बे व गांव तक विधिक सेवा गतिविधियों के संबंध में व्यापक जागरूकता फैलाई जाएगी, विधिक सहायता योजनाओं से उनको अवगत कराया जाएगा, साथ ही साथ स्थल पर पात्र लाभार्थियों को कल्याणकारी शासकीय योजनाओं से भी लाभान्वित किया जाएगा, सामान्य जन को भी विधिक सहायता व जानकारी प्रदान की जाएगी। इसमें प्रदेश के समस्त जिला विधिक प्राधिकरणों के सचिवगण, प्राविधिक स्वयंसेवक, विद्वान पैनल अधिवक्तागण, विधि छात्र के सहयोग से व्यापक जन अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान को मॉनिटरिंग समन्वय व परीक्षण समिति के द्वारा किया जाएगा और तहसील स्तर पर गठित तहसील विधिक सेवा समिति के द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए जो टीमें जनता के मध्य विधिक सेवा गतिविधियों की जागरूकता हेतु जाएंगी, यदि कोई वैवाहिक विवाद का कोई प्रकरण आता है तो कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसे मामले से संबंधित प्रार्थना पत्र प्राप्त कर लिए जाएंगे और ऐसे प्रार्थना पत्रों पर उभय पक्षों के मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर अंकित कर लिए जाएंगे। उनको यह अवगत कराया जाएगा कि इस हेतु किसी मुकदमे की आवश्यकता नहीं है, उनका प्रकरण प्रार्थना पत्र के माध्यम से ही विशेष लोक अदालत के द्वारा प्री लिटिगेशन स्तर पर ही निस्तारित कर दिया जाएगा। इस प्रकार कि लोक अदालत की तिथि पक्षकारों को फोन पर ही बतला दी जाएगी। प्रत्येक टीम आवश्यकता अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा। यह निर्धारण प्रत्येक जिला की समिति के द्वारा किया जाएगा और इस टीम के द्वारा जो विधिक से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की मंशा के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति को विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सेवाओं, शासकीय कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी। इस कार्य हेतु गठित टीमों में PLV, विद्वान अधिवक्तागण, NSS, NCC कैडेट, स्काउट गाइड के छात्र, विधि छात्र, स्कूल कॉलेज
अन्य समाज सेवी संस्थाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा बहुओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं जो इस सेवा हेतु समर्पित हों को शामिल किया जाएगा। प्रदेश भर में जिले स्तर पर जिला पंचायत, खंड विकास स्तर, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन किया जा चुका है, अतः इन तीनों स्तर पर भी समितियों का गठन किया जाए। विधिक सेवा समिति सहायता गतिविधियों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए इस जन संपर्क कार्यक्रम हेतु 2 से 4 कार्यकर्ताओं की टीम गठित की जाए। विधिक सेवा प्राधिकरणों का यह लक्ष्य है कि हर गांव में कम से कम 2 बार इस प्रकार की गठित टीम पहुंचना सुनिश्चित करे। 1000 की जनसंख्या वाले गांव हैं तो 2 लोगों की टीम तथा 2000 से 3000 की जनसंख्या वाले गांव हैं तो 3 लोगों की टीम का गठन किया जाए और इस टीम द्वारा अपने विधिक सेवा जागरूकता के कार्यक्रम में कम से कम 1 फोटोग्राफ जिला प्राधिकरण को भेजा जाए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रारूप पर जनसंपर्क के द्वारा किए गए कार्यों का विवरण अंकित किया जाए तथा इन विवरण जनसंपर्क करने वाली टीमों द्वारा अपने पास पत्रावलियों में संरक्षित किया जाए। जिला प्राधिकरण दिन प्रतिदिन की कार्य तिथिवार आख्या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करेगा। कार्यक्रम में शामिल सेवा वाले प्रावधिक स्वयंसेवक पैनल अधिवक्ता गण सामाजिक कार्यकर्ताओं व छात्र छात्राओं आदि को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। सराहनीय कार्य करने वाले प्रावधिक स्वयंसेवक पैनल अधिवक्ता गण सामाजिक कार्यकर्ता छात्र छात्राओं आदि को चिन्हित किया जाए और जिससे कि उन्हें सम्मानित किया जाए व प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए। विधिक सेवा समिति एवं विधिक सेवा प्राधिकरणों की गतिविधियों के दौरान आम व्यक्ति को यह विश्वास दिलाया जाए कि तहसील स्तर से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक पात्र व्यक्तियों को प्रभावी निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है। परा विधिक स्वयंसेवक पैनल अधिवक्तागण प्रचार प्रसार के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित पॉम्पलेट का प्रारूप हर कार्यकर्ता को प्रदान कर दिया जाएगा और दिनांक 2 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक चलने वाले कार्यक्रमों के अवसर पर जो भी स्वयंसेवक अपनी सेवाएं देने के इच्छुक हों वह तहसील स्तर व जिला स्तर पर अपना पंजीकरण भी करा सकते हैं और संपूर्ण अवधि के दौरान प्रत्येक जिले में नामसर के द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार विश्वविद्यालयों कॉलेजों के छात्र छात्राओं आदि के द्वारा और पैरल विधिक लीगल कार्यकर्ताओं स्वयंसेवकों के द्वारा जानकारी घर घर और चौपालों के द्वारा दी जाएगी और उसका जो है मेन उद्देश्य जन जन को भारत की जो राज्य की जो है कल्याणकारी शासकीय योजनाओं के साथ साथ विधिक सहायता व विधिक सलाह का जन जन तक प्रचार प्रसार किया जाना और उनको शिक्षित करना का मेन उद्देश्य है।